संविधान में सिर्फ बेसिक प्रोविजन ये है कि जितना अधिकार मेजॉरिटी कम्युनिटी के पास होते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करने का और चलाने का उतना ही अधिकार माइनॉरिटीज को मिलना चाहिए सो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइनॉरिटी इज नॉट जस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी इट कुड बी कल्चरल और इवन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्योंकि आर्टिकल uh, ट्वेंटी में रिलीजियस माइनॉरिटी की बात नहीं होती है जनरली माइनॉरिटी की बात होती है आप कुछ भी माइनॉरिटी हो सकते हैं स्टेट वाइज इसलिए होना चाहिए बिकॉज भारत में आप माइनॉरिटीज़ को बेस्ड ऑन स्टेट सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं I if my memory मेमोरी सर्व राइट खुल के कहता है कि ये कहना कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के पास ज्यादा हक हाँ है संविधान के तहत वो गलत है इसको पहली बार चेंज किया गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट okay. के द्वारा अनुच्छेद 15 को आपने चेंज कर दिया और इसमें यह इंक्लूड कर दिया कि जो आर के जो ऑब्लिगेशन हैं वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे लागू नहीं होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का पोजिशन जो है अमेंडमेंट के बाद ही बदला है अच्छा। तब तक किसी का ये मानना नहीं था किसी भी वकील का ये मानना नहीं था चाहे पॉलिटिशियन कुछ भी कहे कि माइनॉरिटीज के पास संविधान के तहत ज्यादा राइट्स हैं। ये गलत है और आज भी इसलिए गलत है

So I am not going to say that Hindu concerns 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 or or minority concerns majority concerns are completely irrelevant. But please be accommodative of the other side as well. इसलिए पूछ रहे हो बड़ा बेसिक प्रश्न है क्या हमारा संविधान माइनॉरिटी टर्म को क्वांटिफाई करता है बिल्कुल नहीं करता कि इस परसेंटेज तक अगर किसी की जनसंख्या है तो माइनॉरिटी है बिल्कुल नहीं करता है और इस पे गवर्नमेंट के थोड़े सर्कुलर्स हैं देन आर जजमेंट्स टू सम बट क्वांटिफिकेशन की बात ज्यादा नहीं हुई है यूनिवर्सली ये माना जाता है बाकी बहुत सारी जगहों पे कि अगर आप 10 प्रतिशत के ऊपर हैं तो आप माइनॉरिटी नहीं है अच्छा ओके okay. क्योंकि यू आर इन अ पोजिशन टू इंपैक्ट द सोसाइटल डिस्कोर्स यू आर इन अ पोजिशन ऑफ अ किंग मेकर इन सिग्निफिकेंट सर्कमस्टांस इज ट्रू सो देर फोर माइनॉरिटाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इफेक्टिवली बिकम अ रेस फॉर रिसोर्सेज एंड आइडेंटिटी कॉम्पिटिटिव आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को आपने जन्म दिया है, जो भारत के हित के हित खिलाफ और विरुद्ध जाता है अगर हम यह कहते हैं कि सभी को हक बनता है अपने आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का आप माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी हो से क्या फर्क पड़ता है यूर इक्वल बिफोर द लॉ यू गेट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ये एक कॉम्प अगर आपको इसको और डिस्कस ही करना है तो इसको और कॉम्पोजिट और कॉम्प्रिहेंसिव बनाइए ओके प्योर नंबर्स गेम के बेसिस पे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है ओके okay? आप गवर्नमेंट में कितने प्रेजेंट हैं ब्यूरोक्रेसी में आपका रिप्रेजेंटेशन क्या है उन बातों पर चर्चा कीजिए देन इट इज अ होलिस्टिक पिक्चर ओके वॉट इफ अ कम्युनिटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन बींग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू बी इन प्राइवेट सेक्टर डज इट मीन दट यूर माइनॉरिटी बिकॉज यार नॉट इन द गवर्मेंट मेक अ डिफरेंस

Okay, which I think must be resisted at all costs, at all levels, with every resource possible. That can't be uh, tolerated at all.